नमस्कार दोस्तों, हक इन क्रेज सॉफ्ट टेक की कॉन्सेप्ट क्लियरेंस अप्रोच में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूं। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है डू व्हाइल लूप। और डू व्हाइल लूप बिल्कुल व्हाइल लूप जैसा है, बस इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। और अगर आपने व्हाइल लूप अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो कि व्हाइल लूप पर बनी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं डू व्हाइल लूप की एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, डू व्हाइल लूप जैसा है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बट क्या होता है कि व्हाइल लूप में क्या था, सबसे पहले कंडीशन चेक कर रहा था, उसके बाद कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहा था और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोबारा से कंडीशन एग्जीक्यूट कर रहा था। बट डू व्हाइल लूप में क्या है कि सबसे पहले ये एक बार अपनी कंडीशन को बिना चेक किए जो भी डू में आपको कोड ब्लॉक दिया हुआ है उस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन चेक के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के बाद दोबारा से उस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। और कंडीशन फॉल्स होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक से टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये है हमारा डू व्हाइल लूप। तो फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको इसका सिंटैक्स बताता हूँ और सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डू, और डू के नीचे लिखा हुआ है कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि ये सबसे पहले एक बार, कम से कम एक बार कोड को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद करेगा कंडीशन को चेक। और कंडीशन अगर ट्रू होती है तो दोबारा से कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और कंडीशन फॉल्स होती है तो पर्टिकुलर इस ब्लॉक से टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये है हमारा सिंपल सा डू व्हाइल लूप। और अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से, सबसे पहले बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि ये बॉडी वही है जो डू के अंदर थी, ठीक है। तो उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर हमारी टेस्ट में कंडीशन ट्रू फाइंड आउट होती है, पता चलता है कंडीशन ट्रू है, तो हमारे इस लूप की जो डू वाली बॉडी थी उस बॉडी को दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा, और फॉल्स होने की कंडीशन में ये अपने डू व्हाइल लूप, या फिर कह सकते हैं व्हाइल लूप से एग्जिट हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था फ्लो चार्ट, और एक प्रोग्राम एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखते हैं अब इसका प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल के लिए भी अपने को सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करानी होगी। मैं यहाँ पर हेडर फाइल्स इंक्लूड करा रहा हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, और उसके बाद यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ मेन फंक्शन void main। और उसके बाद सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। तो मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किया इंटीजर i=1, एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसका डेटा टाइप है इंट, यानी कि इंटीजर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लूप को अप्लाई कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है डू, और डू के अंदर मैंने प्रिंट करा दिया है नंबर जो भी हमारी आई की वैल्यू है वो, और एक इंक्रीमेंट दिया है i++, यानी कि हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट दिया है 1 का। और उसके बाद हमने यहाँ पर कंडीशन चेक कराई है वाइल i इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि i जब तक छोटा या फिर बराबर रहेगा 10 से तब तक इसको ये रिपीटेडली काम करेगा, और अन्यथा की कंडीशन में ये इस पर्टिकुलर लूप से बाहर चला जाएगा। गेट सी एच लगा दिया है और इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया है। F8 प्रेस करके लाइन बाय लाइन इसको चेक करेंगे तो देखिए कंपाइल हो गया। सबसे पहले void main पर आया, void main के बाद इंटीजर i=1 इनिशियलाइज, उसकी क्लियर स्क्रीन हो चुकी है। डू के लूप में आया, डू में इसने सबसे पहले इस काम को कर चुका है, यानी कि i की वैल्यू इसने लिख दिया, उसके बाद इसने कराया प्रिंट, प्रिंट के बाद इसने इंक्रीमेंट लगाया, उसके बाद कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू है इस वजह से दोबारा से प्रिंट करता है। और उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर एक फ्लिप होता है, फ्लिप दैट मीन ये वैल्यू वहाँ पर प्रिंट हो चुकी है, आई की वैल्यू 2, और इस दोबारा से कंडीशन चेक की, उसके बाद यहाँ पर इसने प्रिंट किया। अब देखना ये दोबारा से फ्लिप करेगा, जो स्क्रीन ब्लिंक होगी दैट मीन ये एक अपना पर्टिकुलर टास्क कर रहा है, देखिए। और i++ व्हाइल लूप प्रिंट i++ ये तब तक काम करेगा जब तक ये कंडीशन होती है ट्रू, और कंडीशन जैसे ही हमारी फॉल्स होती है तो ये गेट सी एच पर आ जाएगा, और गेट सी एच यानी कि करेक्टर को गेट करेगा, स्क्रीन होल्ड करेगा और आउटपुट आपके सामने होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 to 10 यहाँ पर काउंटिंग लिखी हुई है। तो ये था दोस्तों हमारा व्हाइल लूप। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको यह व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप दोनों अच्छे से समझ आए होंगे और इनके बीच में डिफरेंस भी पता चल चुका होगा। अगर आपको हमारी सीरीज़, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप हिट लाइक कीजिए, ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी डाउट होने की कंडीशन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो गाइज, ये मैं था जी कृष्णा चौहान, हक इन क्रेज सॉफ्ट टेक की ओर से। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।